नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तारा मधु की रसोई से। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टफ्ड करेले की एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी। फ्रेंड्स, करेले तो माने जाते हैं कि बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन कड़वे होने के साथ ये बहुत पौष्टिक भी होते हैं और हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी होते हैं। तो आज मैं आपको इस तरीके से करेला बनाना सिखाऊंगी कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप करेला खा रहे हैं, क्योंकि ये इतने स्वादिष्ट, इतने टेम्पटिंग लगेंगे कि दूर से अगर रखे हों तो आपका मन जरूर ललचाएगा। साथ ही मैं आज इन करेलों को बनाने में दो ऐसे अनमोल इंग्रेडिएंट यूज करूंगी जिनको डालते ही इन करेलों में इतनी अच्छी सुगंध आएगी, साथ ही इनका स्वाद भी 50 से 100 गुना बढ़ जाएगा। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वो मैजिकल इंग्रेडिएंट मैं वीडियो के दौरान ही बताऊंगी। आप इन करेलों को काट करके खा सकते हैं, पूड़ी पराठों के साथ खा सकते हैं, है ना मजेदार रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं हम इस रेसिपी को बनाना। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम करेले लिए हैं। ये देखिए, करेले एकदम बढ़िया से छांटें, बहुत ज़्यादा बड़े भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटे भी ना हो। चलिए इनको छील लेते हैं। यहाँ पर मैं इनके ना तो आगे की टिप को काटूंगी ना पीछे की टिप को, सिर्फ चाकू की मदद से इनको खुरच दूंगी और बीच में से एक चीरा लगा दूंगी। हम इसके छिलके को नहीं फेंकेंगे। अगर आपके करेलों में बीज नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ करेलों में बीज भी होते हैं तो आप उन्हें निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमें इनके छिलकों को भी यूज़ में करना है, इसलिए हम कुछ भी इसमें से नहीं फेंकेंगे। देखिए मैंने सारे करेले खुरच के छील लिए हैं और देखिए मेरे इस करेले के बीच में थोड़े से बीज हैं, मैं इसे चाकू की मदद से निकाल लेती हूँ। कुछ लोग बीज खाना पसंद करते हैं, तो अगर आप चाहें तो बीज निकाल करके अलग रख लें, आप मसाले में उनको फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहें खाना तो हटा भी सकते हैं। अब मैं इन करेलों के ऊपर थोड़ा सा नमक भुरक दूंगी, अच्छे से इन करेलों को लपेट दूंगी नमक से, साथ ही इसके छिलकों पे भी, ताकि इनका कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाए, और अच्छे से इन नमक को करेलों के ऊपर मसल मसल के अंदर और ऊपर लगा दूंगी। ये देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, बिल्कुल आपको वैसे ही लगाना है, और इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही रख दूंगी, थोड़ा सा टेढ़ा करके थाली में, ताकि इसका पानी निकल जाए। ये देखिए 2 घंटे के बाद पानी करेले ऐसे छोड़ देंगे। चलिए अब हम इन्हें अच्छे से वॉश कर लेते हैं। मैंने इन्हें बढ़िया से वॉश कर लिया है। अब मैंने एक फ्राइंग पैन में पानी डाला है और इसमें इन करेलों को बॉईल करूंगी लगभग 7 से 8 मिनट तक, साथ ही इनके छिलकों को भी डाल दूंगी ताकि वो भी बॉईल हो जाए। लगभग 5 से 6 मिनट के बाद हमारे करेले कुछ कलर में हल्के हरे हो जाएंगे, और हल्का ही हमें इन्हें बॉईल करना है, पूरा नहीं गलाना है, लगभग 70% हमें इसे बॉईल करना है। और जैसे ये बॉईल हो जाए हम छन्नी में इन्हें ड्रेन कर लेंगे, छिलकों को भी और करेलों को भी। चलिए अब एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लेते हैं। दोस्तों स्टफ्ड करेले बनाने में तो बहुत तेल लगता है, लेकिन मैं आज सिर्फ 2 चम्मच तेल से ही आपको करेला बनाना सिखा रही हूँ। तो एक एक करके मैं इन करेलों को फ्राई कर लूँगी। इनको बहुत कम समय लगेगा क्योंकि ये 70% तो पके हुए हैं, बस हमें यहाँ तेज गैस पर इन्हें हल्का ब्राउन करना है। गैस हमारी फुल पर ही रखें, डालेंगे, हल्का ब्राउन करेंगे और बाहर निकाल लेंगे। बॉयल होने की वजह से ये ज़्यादा तेल भी नहीं पी रहे हैं, तो हमारे करेले कम तेल में बनेंगे। साथ ही मैं इनको निकाल रही हूँ क्योंकि ये हो चुके हैं ब्राउन टिश्यू पेपर पर। लीजिए मेरे सारे करेले निकल गए हैं। चलिए अब बारी आ गई उन मैजिकल 2 इंग्रेडिएंट्स की। एक फ्राइंग पैन में मैं डालूंगी 2 चम्मच साबुत धनिया और 2 चम्मच साबुत सौंफ। जी हाँ, इन दोनों मसालों को डालकर ही हमारे करेले एकदम स्वादिष्ट बनेंगे। आप इन्हें ड्राई रोस्ट कर लीजिए बिना किसी तेल के। जैसे ही ये रोस्ट होंगे आपको इसकी खुशबू से ही अंदाज़ा लग जाएगा कि ये रोस्ट हो गए हैं, और बहुत अच्छी एक खुशबू आएगी जो कि आपके करेलों में भी आएगी। ये देखिए थोड़ी सी ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, हमें इन्हें ज़्यादा काला नहीं करना है। हल्का सा ड्राई रोस्ट होते ही गैस बंद करके इसी फ्राइंग पैन में छोड़ दें, ताकि वो धीरे धीरे और अच्छे से भुन जाए, और इसे ठंडा होने के बाद पीस करके रख लें। ये देखिए मेरा मसाला एकदम भुन गया है, अब ठंडा होने के बाद मैं इसे पीस लूँगी। चलिए ये हमारी वही कढ़ाई है और जिसमें हमने करेले तले हैं, उसी तेल के अंदर मैंने डाल दिए थोड़ी सी हींग, साथ ही डाल दिए 1 चम्मच राई। इसको थोड़ा सा हम सौटे होने देते हैं, थोड़ा सा तिड़कने देते हैं, और अब दोस्तों मैं इसमें डाल दूंगी लगभग 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और साथ में डाल दूंगी मैं 1 से 2 हरी मिर्च कुटी हुई, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि लहसुन अच्छे से भुन जाए और इसकी स्मेल चली जाए। और जैसे ही ये मसाला भुन जाएगा, अब मैं इसमें ऐड करूंगी लगभग 2 बड़े प्याज कद्दूकस किए हुए, आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं, चाहे तो कद्दूकस करके डालें। और अब इस मसाले को अच्छे से मैं भूनूंगी,
देखिए, हमने तेल सिर्फ 2 चम्मच ही लिया था, उसी में हमने अपने करेले तल लिए और बचे हुए तेल में हम मसाला भून रहे हैं। तो कम तेल में तैयार होने वाले हैं आज हमारे करेले। जैसे ही प्याज भुन जाएगी, अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई मसाले। सबसे पहले मैं डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, साथ ही मैं इसके डाल दूंगी 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्ची का पाउडर। थोड़ा सा मैं डालूंगी नमक, नमक थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि हमने करेलों को धोने के टाइम पे भी डाला था, हो सकता है उस वक्त करेलों में नमक हो, तो नमक आप थोड़ा सा ध्यान से डालें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और अब मैं डाल दूंगी मेरे छिलके करेले के, जो हमने पहले बॉईल करके रखे थे, वो इसमें ऐड कर दूंगी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हमने करेले का कुछ भी पार्ट वेस्ट नहीं किया, बीज, छिलके और करेले सारे यूज़ किए हैं। देखिए आप, ये मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैं डाल दूंगी इसमें लगभग 1 छोटा चम्मच अमचूर का पाउडर। अगर सीजन आमी का हो, कच्ची आमी का, तो आप कद्दूकस करके वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ अमचूर डाल रही हूँ। इस मसाले को अच्छे से भूनिए, गैस मेरी एकदम स्लो है। और अब मैं डालूंगी सौंफ और साबुत धनिए को, जिसे हमने भुना था, उसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, वो ऐड कर दूंगी इसमें। देखिए हमारे मसाले का कलर कितना बढ़िया आ रहा है। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए बढ़िया से, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपको लगता है कि नमक में थोड़ा गड़बड़ है, तो आप चेक करके देख लीजिए। नमक आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि अमचूर से नमक हल्का सा कम हो जाता है। तो बस इस मसाले को अब मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। ये देखिए मेरा मसाला एकदम ठंडा हो गया है और मेरे करेले एकदम रेडी हैं, वो भी हल्के ठंडे हो गए हैं। चलिए अब इस फिलिंग को हम करेले में भरेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं फिलिंग को करेलों में भर रही हूँ। तो आपने देखा मेरे को कितना कम समय लगा और साथ ही कितना कम तेल लगा। कुछ लोग करेलों को मसाला बनाने के बाद कच्चे करेलों में ही मसाला भरकर धागे से बांध कर फ्राई करते हैं, लेकिन उसमें समय भी ज़्यादा लगता है और तेल भी ज़्यादा लगता है। तो आप एक बार इस तरीके से करेलों को बनाकर देखिए। तो लीजिए, मैंने अपने चारों करेले एकदम बढ़िया से भर लिए हैं। आप चाहें कि ये करेले बहुत बड़े हैं, तो आप इन्हें चाकू की मदद से छोटे छोटे पीस करके काट भी सकते हैं, और चाहें ऐसे ही एक खाना तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। कुछ करेले साइज में बड़े होते हैं, तो आप उन्हें बीच में से 2 भाग करके काट भी सकते हैं। ये देखिए मैंने बीच में से इन्हें काट दिया है, और ये कितने टेस्टी, टेम्पटिंग और डिलीशियस लग रहे हैं। आप जब बनाएंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा कि करेलों का ऐसा रूप तो हमने कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।